सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अमरनाथ सिंह, इंटर्न एट एम्स न्यू दिल्ली। इट इज़ 3:46 AM इन द मॉर्निंग राइट नाउ। मैं अपना ड्यूटी ख़त्म करके नहा धो के आपको ये चैप्टर पढ़ाने आया हूँ। ये पार्ट टू है मिनरल न्यूट्रिशन का, ठीक है, क्योंकि मैंने आपको प्रॉमिस किया था। सो मैं अपना प्रॉमिस होल्ड कर रहा हूँ, और यार इसी तरीके से ना आपको भी अपना प्रॉमिस होल्ड करना है। देख, कल सुबह 9 बजे मेरी फिर से ड्यूटी है, 9 बजे मेरे को OPD जाना है। अभी ये वीडियो रिकॉर्ड करने में, शायद रीटेक्स लेने में मेरे को 3-4 बार लग जाए। 4:30 बजे तक करीब मैं सो रहा हूँगा। इस 15 मिनट की वीडियो को रिकॉर्ड करने में शायद 45 मिनट लग जाए, मैं 4:30 बजे सो रहा हूँगा। पर तुम्हारे लिए मैं ये वीडियो, क्योंकि मैंने कमिट किया, आपको प्रॉमिस किया है, कंप्लीट करके ही सोऊंगा। आपको ये जो न्यूट्रिएंट्स के फंक्शन है वो याद करा के ही सोऊंगा, ठीक है। तो वीडियो एंड तक देखिएगा, 15 मिनट की वीडियो होगी, पर आपको सारा न्यूट्रिएंट्स का जो फंक्शन है उसको मैं याद करा दूंगा। और प्लीज़ यार कुछ सीख लो, ठीक है। आप जो चीज़ अब कमिट करते हो ना, जो प्रॉमिस करते हो ना, उस पर स्टिक करने की आदत डाल लो, ठीक है। इसी को परसिस्टेंस कहते हैं। और एंड में ना, फाइनली कोई कुछ भी आपका लाइफ का गोल हो, टारगेट हो, एकेडमिक हो, नॉन एकेडमिक हो, कुछ भी हो, ठीक है, आपको ये परसिस्टेंस ही रिजल्ट देता है। क्योंकि सभी के जर्नी में यार अप्स एंड डाउन्स आते हैं, ठीक है, सभी के जर्नी में ये अप्स एंड डाउन्स आते रहेंगे। पर जो बंदा परसिस्ट करता है ना, पॉइंट ए टू पॉइंट बी तक जाने की हिम्मत रखता है, वो दृढ़ निश्चय रखता है डिस्पाइट अप्स एंड डाउन्स, वही जीतता है। तो आपको भी वही करना है, आपको लगे रहना है एंड तक, ठीक है। सो ये जो भी आपको यहाँ पे जो दिख रहा होगा, मैं NCERT में मार्क कर रहा हूँ, वो आपको मैं अपने टेलीग्राम चैनल एम्सोनी नेयर्स में प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है मेरे टेलीग्राम चैनल का, ठीक है, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हो। आपको डेली क्विज भी मिल रहा है मेरे टेलीग्राम चैनल पे, फिजिक्स एंड फिजिकल केमिस्ट्री के माइंड मैप्स मिल रहे हैं, चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिल रहे हैं फ्रॉम 1998 ऑनवर्ड्स, और टेस्ट पेपर्स भी रेगुलरली अपलोड कर रहा हूँ। अपार्ट फ्रॉम दैट, ये मिनरल न्यूट्रिशन के जो नोट्स हैं, जो NCERT में मार्किंग है, वो भी आपको वहाँ पे मिल जाएगी। चलो फटाफट शुरू करते हैं। पहली चीज़ जो आपको याद रखेंगे नाइट्रोजन में, कि ग्रेटेस्ट अमाउंट में जो है प्लांट्स को रिक्वायर्ड होता है, नाइट्रेट, नाइट्राइड और अमोनियम आयन के फॉर्म में ये प्लांट्स एब्जॉर्ब कर रहे हैं। और मेरिस्मैटिक टिश्यू, एन के बगल में क्या है, एम, मेरिस्मैटिक टिश्यू, जो कि आपके ग्रोइंग टिश्यूज होते हैं उनमें ये रिक्वायर्ड होता है, ठीक है। और अभी तो लाइट भी नहीं है यार, मतलब पंखा तो यार क्या ही बताओ, यहाँ पे इतनी गर्मी है तो क्या कर सकते, पंखा भी अच्छे से नहीं चलता है अच्छा सा विलेज में। सो मेटाबॉलिकली एक्टिव टिश्यू, मेरिस्मैटिक टिश्यू जो है उनमें ये मैक्सिमम अमाउंट में रिक्वायर्ड होता है, ये याद करना टफ बात नहीं है। एंड मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट होता है, मैक्रो है तो मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट होगा प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, विटामिन और हॉर्मोन्स का, उसमें कोई बड़ी बात नहीं। फॉस्फोरस भी लोगों को आराम से याद हो जाता है, ये दो फॉर्म में फॉस्फोरस आपका एब्जॉर्ब होता है। आपको फॉस्फोलिपिड होता है सेल मेम्ब्रेन में, वहाँ पे फॉस्फोरस आ गया, प्रोटीन्स में होगा, न्यूक्लिक एसिड में है देयरफॉर न्यूक्लियोटाइड्स में है देयरफॉर न्यूक्लिक एसिड्स में भी आपको फॉस्फोरस होगा। और यहाँ पर याद रखना, न्यूक्लियो प्रोटीन में भी फॉस्फोरस होगा। राइबोसोम क्या होता है, आपका न्यूक्लियो प्रोटीन होता है, ठीक है, उसमें प्रोटीन भी है एंड न्यूक्लिक एसिड वाला कंपोनेंट भी है। जैसे आपका क्या क्या होता है आप जानते ही होंगे, 50S, 30S, 60S, 40S में आपके सब यूनिट होते हैं RNA के, राइट। इन सब यूनिट्स में आपके क्या होते हैं, राइबोसोमल RNA होते हैं, 16S हो गया, 18S हो गया, आपके आपको याद करने होते हैं, राइट। फिर फॉस्फोरिलेशन रिएक्शन में AMP टू ADP टू ATP, इसमें तो आपकी ज़रूरत पड़ेगी पड़ेगी, किसको, फॉस्फोरस की ज़रूरत पड़ेगी। चलो मेन कॉम्पोनेंट आते हैं पोटेशियम पे। पोटेशियम जो होता है ज़्यादा रिक्वायर्ड होता है मेरिस्मैटिक टिश्यू में, बर्ड्स लीव्स एंड रूट टिप्स में, ठीक है, ज़्यादा क्वांटिटी में रिक्वायर्ड होता है। पर ये चीज़ ज़्यादा पूछी नहीं जाती, मोर देन दैट आप पोटेशियम से ये याद कर लो, पोटेशियम वर्ड से, कि आपको ये प्रोटीन सिंथेसिस में रिक्वायर्ड होता है। ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टोमेटा, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको आपको क्या करना है, थीटा थीटा कर देना है, थीटा थीटा मतलब ये क्यू क्यू आपको मार्क कर देना है यहाँ पे, ठीक है। एक्टिवेशन और एंजाइम में ये यूज़ हो रहा है, सो आपका ए भी यहाँ पे कवर हो गया, ठीक है, ए से आपका एक्टिवेशन एंजाइम हो गया। और टर्जिडिटी ऑफ सेल्स, आप देखो पोटेशियम वर्ड में ही आपको सारा क्रक्स जो है पोटेशियम का मिल जा रहा है। आपको ऐसे याद नहीं करना था, वैसे ही याद कर सकते हो, या टोमेटो को ओपन क्लोज कर रहा है क्या, पोटेशियम मैलिएट, इसका कॉन्सेंट्रेशन ऊपर नीचे होता है तो ट्रांसपिरेशन ऊपर नीचे होता है, ठीक है। स्टोमेटो आपका ओपन होगा, क्लोज होगा, ट्रांसपिरेशन बढ़ेगा कम होगा, और क्योंकि ये पोटेशियम मैलिएट क्या होगा, ऑस्मोटिकली एक्टिव होगा, सो टर्जिडिटी ऑफ द सेल्स भी कहीं ना कहीं पोटेशियम आपका डिटरमाइन कर रहा है, ठीक है। एक और चीज़ जो इंपॉर्टेंट चीज़ याद करनी है पोटेशियम का, जो मैंने अपने समय याद किया था कि पोटेशियम का जो के है ना वो ए की तरह दिखता है, ठीक है, के का जो बीच वाला पार्ट है वो ए की तरह दिख रहा है, तो ये लॉस ऑफ एप्कल डोमिनेंस में भी रोल प्ले कर रहा होता है, ठीक है।
एंड फिर ये ट्रांसपिरेशन होगा, ट्रांसपिरेशन सक्शन पुल जनरेट होता है, शुगर का ट्रांसलोकेशन हो गया। तो ये एक्सटेंडेड क्वेश्चंस है जो कि आपको पोटेशियम पे पूछे जा सकते हैं। अगर कोई बंदा ना एग्जामिनर आपके मजे लेना चाहता है, आपका देखना चाहता है कि कॉन्सेप्ट कैसा है, तो ओपनिंग क्लोजिंग स्टोमेटा तो सबको मालूम है यार, लिखा हुआ है एनसीईआरटी में। पर इससे आपका एक्सटेंडेड क्वेश्चन क्या होगा जो कि क्रॉस चैप्टर क्वेश्चन होगा, दूसरे चैप्टर से भी उठा के पूछ दिया गया है कि हाँ शुगर ट्रांसलोकेशन में कहीं रोल प्ले कर रहा है। डायरेक्ट क्वेश्चन तो नहीं है, डायरेक्टली तो लिखा हुआ नहीं है, पर यस प्ले कर रहा है क्योंकि सक्शन पुल जो है ट्रांसपिरेशन से जनरेट हो रहा है। और ट्रांसपिरेशन में कौन हेल्प कर रहा है? स्टोमेटा। स्टोमेटा में कौन रोल प्ले कर रहा है, कौन सा आयन रोल प्ले कर रहा है? पोटेशियम मैलिएट, ठीक है। और ऑस्मोरेगुलेशन भी फिर वही हो गया, ठीक है, क्योंकि ट्रांसलोकेशन होगा, शुगर का मूवमेंट हो रहा है, तो उसमें ऑस्मोरेगुलेशन में भी पार्टिसिपेट कर रहा है। कैल्शियम आ जाओ, कैल्शियम को आप ऐसे याद कर सकते हो, ऐसा एक डायग्राम बना लो बगल में अपने एनसीईआरटी के, ठीक है, कैल्शियम से कनेक्ट कर दो, ये आपका स्पिंडल हो गया, माइटोटिक स्पिंडल। मैं डायग्राम देख के ही बता सकता हूँ, डायग्राम को बस मैं एग्जाम में रिकॉल करूंगा, कभी भी रिवाइज कर रहा हूँ रिकॉल करूंगा तो मैं तुरंत फंक्शन जो है कैल्शियम के रिकॉल कर पाऊंगा, ठीक है। तो और ये सेल में आप लिख दो कैल्शियम, कैल्शियम, कैल्शियम पूरे सेल वॉल में ग्रीन कलर का इमेजिन करो, सेल वॉल में उसमें कैल्शियम लिखा हुआ, देयरफॉर ये मोबाइल एलिमेंट है और मिडिल लैमला कैल्शियम पेक्टिनेट से बना होता है सेल वॉल में, ठीक है। तो कैल्शियम पेक्टिनेट वर्ड आपको याद करना है, बहुत ज़रूरी है, ठीक है, ये पूछा भी जाता है, डायरेक्टली आपका एमसीक्यू क्रिएट किया जा सकता है इस पर, ठीक है। और ये ओल्डर लीव में एक्यूमुलेट होता है, आप ऐसे देख लो कि जो भी चीज़ ओल्ड होती है वो कैल्सीफाई होती रहती है, ठीक है, तो ओल्ड लीव्स जो है उसमें कैल्शियम डिपॉजिट हो जाएगा, सिंपल सी बात है, ठीक है। और सर्टेन एंजाइम इंपॉर्टेंट रोल तो प्ले कर रहा होता है। एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ये है कि ब्लैक हार्ट और सेलरी जो है वो कैल्शियम की वजह से हो जाती है। तो यहाँ पे ग्रीन दिख रहा है, यहाँ पे एक ग्रीन याद कर लो दो, मतलब यार कई बार ना आपको इमेजिनेटिव मेमोरी क्रिएट करनी होती है, आपको विजुलाइज करना होता है ऐसे, ये जो पूरा पेपर आपके सामने दिख रहा है ना एनसीईआरटी, उसको दिमाग में फिट कर लो, रिकॉल करो ऐसे कि कहाँ क्या लिखा हुआ है। मेरे को याद है कि कैल्शियम में लेफ्ट साइड पे मैंने एक डायग्राम बनाया जिसमें कैल्शियम माइटोटिक स्पिंडल रिप्रेजेंट कर रहा है और कैल्शियम पेक्टिनेट रिप्रेजेंट कर रहा है सेल वॉल में। राइट साइड पर मेरे क्या है कि कैल्शियम का वो कुछ ब्लैक हार्ट मैंने बनाया, तो ब्लैक हार्ट ऑफ सी से सेलरी, ठीक है, तो वो कैल्शियम से रिलेटेड हो गया। ऐसे आप चीज़ें याद करो, मैं आपको बता रहा हूँ क्या तरीके हैं याद करने के, किन किन तरीके से आप एनसीईआरटी को ईजिली मेमोराइज कर सकते हो, एक बार मेमोराइज कर सकते हो, लॉन्ग टर्म आपके दिमाग में इंटीग्रेट हो जाएगा। अगर आप उसको एक दो बार बीच में गलती से भी रिवाइज कर लोगे ना तो आपका काम बन जाएगा, ठीक है। अब मैग्नीशियम पे आते हैं, रेस्पिरेशन फोटोसिंथेसिस मैग्नीशियम हेल्प कर रहा है, तो मैंने क्या किया बर्गर बना दिया, राइबोसोम में आप जानते हो मैग्नीशियम हेल्प करता है, मैग्नीशियम क्या होता है 2+, तो दो सब यूनिट है राइबोसोम के, किसके दो सब यूनिट होते हैं राइबोसोम के, उसमें मैग्नीशियम आ जाएगा, मैग्नीशियम लिख दिया, दोनों को कनेक्ट करते हुए बर्गर फॉर्मेट में। बर्गर में आप क्या डालते हो, लेटेस्ट डालते हो, कैबेज डालते हो, पत्ता डालते हो, तो ये पत्ता दिख रहा है, ठीक है, तो रेस्पिरेशन में हेल्प करेगा, ठीक है, हो गया। और क्लोरोफिल में भी आएगा, ग्रीन कलर का पत्ता है, तो सिंपल सी बात है। तो ये चीज़ इतना एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं होती, इतने डिटेल फॉर्मेट में आप रिवाइज नहीं कर रहे होते, बस आपको मालूम है कि किस वजह से आप ग्रीन बनाए हो, ये दो ब्लू क्या रिप्रेजेंट कर रहे हो आपको मालूम है, और देयरफॉर ये मैग्नीशियम का फंक्शन है, ठीक है। यही चीज़ पूछता भी मैग्नीशियम, स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोफिल और ये राइबोसोम, इस पर भी क्यू क्यू बना दो, ठीक है। सल्फर पे आ जाओ, सल्फर का सिंपल सा मैंने निमोन क्या याद किया था, MSC फैट, MSC एस है, एस से आपका ये आ जाएगा मिथ्योनिन और सिस्टीन, मिथ्योनिन एंड सिस्टीन क्यों, सिस्टीन जो है ई वाला है, ठीक है, CYSTINE नहीं है, ये वाला नहीं है, याद रखना ये ऑप्शन में आपको दिख जाएगा, इसको मार्क नहीं करना है। सल्फर में जो सी है और एम है सब ई वाले हैं, मिथियोनिन ई ई आपको दिख रहा है, ई यहाँ दिख रहा है, वैसे सल्फेट के फॉर्म में ये ऑब्जॉर्ब होता है, बहुत सिंपल सा लॉजिक है, इसमें कुछ जानना नहीं है, ठीक है। फिर फैट, फैट में आपको फेरोडॉक्सिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसलिए मैंने फैट बनाया। फिर ATB आप कैसे याद कर सकते हो, कर लो, ठीक है, ATB हो गया, ATP की जगह ATB याद कर लिया, ठीक है, विटामिन में आपके ATB में आपका सल्फर आ जाता है, ठीक है। अब आगे बढ़ जाते हैं आयरन के साथ, आयरन जो है फेरिक फॉर्म में एब्जॉर्ब होता है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है, फेरिक फॉर्म में, फेरस या फेरिक, किस में, फेरिक में, ठीक है। अब लेग हीमोग्लोबिन जो है आप यहाँ से आई से याद कर सकते हो कि आई है, एल है, एल आई जैसे ही दिखता है, राइट, तो लेग हीमोग्लोबिन में आयरन आयरन होता है, ठीक है, और वो ऑक्सीजन स्कैवेंजर होता है, ठीक है, और लेग हीमोग्लोबिन है तो आप क्या बोलते हैं हीमोग्लोबिन जैसा ही हो गया ना, तो ज्यूम कर लिया हीमोग्लोबिन जैसा है, वो ऑक्सीजन स्कैवेंज कर लेगा। वैसे ये चीज़ तो बहुत बेसिक है, हर चीज़ का निमोनिक बनाने की जरूरत नहीं, पर हाँ उन स्टूडेंट्स के लिए मैं बता रहा हूँ जिनको बिल्कुल याद नहीं होता, सबको कवर कर रहे हैं ना बच्चे, तो में से कई स्टूडेंट्स को बहुत कुछ याद हो जाता होगा, कई को नहीं होता, तो सबको कवर करने के लिए मैं कई बार आपको लग सकता है कि हाँ बहुत बेसिक निमोनिक्स मैं बनाते हूँ, सब चीज़ की निमोनिक बनाने की जरूरत नहीं होती वैसे, ठीक है। चलो अब फेरोडॉक्सिन हो गया, साइटोक्रोम हो गया, एफ और सी में ही आपका सब कवर हो गया। साइटोक्रोम में याद रखिएगा, फेरोडॉक्सिन में तो एफ है ही, फेरिक है ही वर्ड में ही, पर साइटोक्रोम्स में भी आपका आयरन होता है, याद रखिएगा, कैटलेज एंजाइम हो गया और क्लोरोफिल इसमें भी है। तो आप देखा जाए तो फेरिक आयन में ही आपका सब कुछ है, अगर FE3
याद कर लो, तो उसमें आपके तीन चीज़ें हैं, एक आई है जो लेग हीमोग्लोबिन में है, एक सी है जो आपका कैटलेज में है, साइटोक्रोम में है, क्लोरोफिल में है, वो भी तीन में है, ठीक है। तो Fe3+ के 3 C's हो गए, ठीक है। तो ये आपको याद करने का एक तरीका हो गया। और FeR है वो फेरोडॉक्सिन में। आगे बढ़ जाओ, मैंगनीज, मैंगनीज की बात करें तो इसको मैंने ऐसे डायग्राम बनाया था। मैंगनीज होता है, दो सिलेबस दिख रहा है, एक मैन है और गीज है, तो बीच में मैंने क्या कर दिया था, ऐसे पानी बना दिया, फाउंटेन बना दिया। अब फाउंटेन है, वाटर, वाटर स्प्लिटिंग में क्या हो गया, मैंगनीज आया, इन्वॉल्व हो गया, नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म में हो जाएगा कि NR है, ठीक है, मैंगनीज में NR है, तो मैंने यहाँ से याद कर लिया कि नाइट्रोजन में होगा, और M के बगल में भी N होता है, तो मैंने ऐसे याद कर रखा था। पर मेन फंक्शन यही पूछा जाता है, स्प्लिटिंग ऑफ वाटर, ठीक है। पर ये भी पूछ सकते हैं नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म में कौन कौन इन्वॉल्व होता है, राइट। सो अच्छे से देख लेना ये चीज़, ठीक। अब जिंक में आ जाओ, मैं जैसे बता रखा हूँ पहले भी कि ए के बगल में जेड, जेड के बगल में ए कह लो, और जी जो होता है, जैसे कोई इमोजी होता है ना जिसमें आप देखते हो कि जी 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 बना हुआ है, मतलब सो रहा है, तो कोई भी अल्कोहल पी के क्या करता है, वॉमिट करता है, सो जाता है, यही आप देखते हो कॉलेज लाइफ में, लोग यही कर रहे होते हैं, ठीक। तो हो गया आपका ए के बगल में जी, तो अल्कोहलिक डिहाइड्रोजनेज हो गया, और कार्बोक्सिलेज सी से तो यहीं पर आ गया, और ऑक्सिन भी जो है अल्कोहल का फंक्शन हो गया, पक्का, ठीक है, ऑक्सिन भी हो गया, ठीक। और एप्कल डोमिनेंस कहाँ था, पोटाशियम में, याद रखना, के पोटाशियम का जो के है, क्या है, ए की तरह है, इसको शिफ्ट कर दो, ए है ये, ठीक है। तो क्या हो गया, वो एप्कल डोमिनेंस में आपका लॉस ऑफ एप्कल डोमिनेंस में हेल्प कर रहा हो। तो कॉपर में आ जाओ, तो कॉपर जो है इसका आपको देखो यार सिंपल सा है, आयरन की तरह है ये, तो रिडॉक्स रिएक्शन में इन्वॉल्व है, Cu+ टू Cu2+ में कन्वर्ट हो रहा है, क्यूपरिक, जैसे फेरिक है वैसे क्यूपरिक के फॉर्म में एब्जॉर्ब हो रहा है, ठीक है। तो आयरन जैसे ही इसका रोल हो गया, कॉपर वैसे पूछता नहीं है। बोरॉन आ जाओ, बोरॉन बहुत इंपॉर्टेंट है, बोरॉन कैसे याद किया, बोरॉन क्या कह रहा है कि बोर कर दो, बोर करना हमें, ठीक है। कैसे बोर करके क्या जाएगा, पॉलन जर्मिनेट कैसे करेगा, पॉलन जब लीफ लीफ पे गिरता है, ठीक है, आप एज्यूम करो एक प्लांट है, ठीक है, ये फ्लावर है, फ्लावर पे क्या हो गया, एक पॉलन गिरा, पॉलन क्या करेगा, उसमें बोर करता है ना, उसके बाद उसके स्टॉक के थ्रू वो नीचे जा रहा होता है, ठीक है। आप ये डायग्राम देखो, क्या है, पॉलन कैसे जर्मिनेट कर रहा है, ये बोर कर रहा है, पॉलन ट्यूब जो आ रहा है वो बोर करते हुए जा रहा है, ठीक है। और याद रखना, ऐसे याद कर लो कि पॉलन ट्यूब जो है, जो बोर करते हुए नीचे जा रही है, उसमें कैल्शियम और कार्ब दोनों भरे हुए हैं, ठीक है, ठीक है। अब याद कर लो, उसमें ग्लूकोन डी, कैल्शियम कैसा होता है, वाइट होता है, चूना कैसा होता है, वाइट होता है, और आपका ग्लूकोन डी कैसा, वाइट होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है ना ग्लूकोन डी में, वाइट भरा हुआ है एक पॉकेट में, ठीक है, जर्म ट्यूब में वाइट भरा, तो कैल्शियम है, कार्बोनेट है, जर्म ट्यूब इलोंगेट कर रही है, तो सेल इलोंगेशन में हेल्प कर रहा है ये, ठीक है। सी से क्या हो रहा है कि आपका ये सेल में इलोंगेशन में हेल्प कर रहा है, ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट कैरी कर रहा है, पी सी बी इसका ये निमोनिक हो गया, ठीक है, बोरॉन का, राइट, समझ में आ रहा है आपको, ठीक है। मेम्ब्रेन की फंक्शनिंग में हेल्प कर रहा है, क्योंकि एसेंशियली क्या है, ये मेम्ब्रेन की तरह ही तो इलोंगेट कर रहा है, ठीक है, बोर कर रहा है, मेम्ब्रेन की तरह इलोंगेट कर रहा है, तो मेम्ब्रेन फंक्शनिंग में हेल्प कर रहा है, सेल इलोंगेशन में हेल्प कर रहा है ये, ठीक है, कैल्शियम और कार्बोनेट कार्ब्स ये कैरी कर रहा है, ठीक है, और बोरॉन जो है बोर करके नीचे जा रहा है, और सेल डिफरेंशिएशन, क्योंकि पर्टिकुलर फंक्शन प्रोवाइड परफॉर्म कर रहा है ना बोरॉन, सेल पॉलन के जर्मिनेशन में हेल्प कर रहा है, तो बोर करने में हेल्प कर रहा है, तो क्या है पर्टिकुलर फंक्शन, तो सेल डिफरेंशिएशन में भी हेल्प कर रहा है, ठीक है, समझ में आ गया। और ये तो आपको याद करना पड़ेगा कि इन दोनों फॉर्म में बोरॉन एब्जॉर्ब हो रहा है, तो ऐसे ये सिंपल सा है, 3+4 ये 7 हो गया, सिंपल सा आप ऐसे बोरॉन का याद कर सकते हो, ठीक है। तो पॉलन जर्मिनेशन हो गया, बोरॉन जो है पॉलन जर्मिनेशन में हेल्प कर रहा है, और 3C में हेल्प कर रहा है, सेल के फंक्शनिंग में, डिफरेंशिएशन में, मेम्ब्रेन फंक्शनिंग में, ये सब में, ठीक है, और इलोंगेशन में भी। मॉलिबेडनम, मॉलिबेडनम क्या है, मून है मॉलिबेडनम, MOOO2 हो गया, और N है, नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म में हेल्प कर रहा है, तो किसमें है, नाइट्रोजिनेज एंजाइम में। आप नाइट्रोजन का भी पढ़ोगे तो उसमें नाइट्रोजिनेज एंजाइम होता है, नाइट्रेट रिडक्टेज होता है, ठीक है, नाइट्रोजन एंजाइम, नाइट्रोजन रिडक्टेज, नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म में आपको मॉलिब्डेनम इन्वॉल्व, और कौन सा इन्वॉल्व होता है, मैंगनीज। ऐसे याद कर लो, दो M जो मैंने एक पेज पे देखा, एक M ऊपर है जिसको मैंगनीज है, जिसका मैंने फुवारा बना दिया था ऊपर था, और ये मॉलिब्डेनम है जो कि नीचे है, ठीक है। अब ठीक, अदरवाइज आप मून से भी याद कर सकते हो, मॉलिबेडनम है ना, मून फॉर्मेट में ये एब्जॉर्ब हो रहा है, और डबल ओ है, और टू है ऊपर नीचे, और एन है। ये बहुत लेमन भाषा में आपको समझा रहा हूँ, अगर आप केमिस्ट्री के कॉन्सेप्ट समझते हो यहाँ पे अप्लाई करके, आप जानते ही होंगे कि मॉलिबेडनम इसी फॉर्मेट में क्या है, एग्जिस्ट करेगा, और आयन के फॉर्म में ऐसे ही एग्जिस्ट कर रहा होता है, एब्जॉर्ब हो जाएगा। अब क्लोरीन भी जो है ना यार, याद रखना, क्लोरीन जो है आपका वाटर स्प्लिटिंग रिएक्शन में इन्वॉल्व होता है। कई बार ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं आपके कि कौन कौन से वाटर स्प्लिटिंग रिएक्शन में इन्वॉल्व होते, मैंगनीज और क्लोरीन। तो याद करना है कैसे, कि आपका जो ये पेज है, एक एनसीईआरटी का ऐसा पेज है जिसमें मैंगनीज और क्लोरीन जो दो न्यूट्रिएंट्स है ऊपर और नीचे लिखे हुए पेज में, ठीक है, वो
क्या है, ऊपर से एक वाटर निकल रहा है, यहाँ से नीचे से वाटर निकल रहा है। ठीक, मैंने कैसे याद किया था कि यहाँ से भी पानी निकल रहा है, देख सकते हो आप, जूम इन कर दूँ मैं तो, देख रहे हो यहाँ पे पानी 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 मैंने इमेजिन किया, और यहाँ पे भी मैंने पानी पानी इमेजिन कर लिया। तो मैंगनीज और क्लोरीन जो ऊपर और नीचे है, दो शब्द, उनसे वाटर निकल रहा है ऊपर और नीचे, देयरफॉर वाटर स्प्लिटिंग रिएक्शन इन्वॉल्व्ड। और क्लोरीन क्योंकि आपका सोडियम पोटेशियम के साथ एग्जिस्ट करता है, तो सोल्यूट कंसंट्रेशन तो डिटरमाइन करता ही करता है। आप सोडियम क्लोराइड पढ़ते हो, पोटेशियम क्लोराइड नॉर्मैलिटी मोलारिटी वगैरह पढ़ते हो, सोल्यूट कंसंट्रेशन में वो इन्वॉल्व है, आयन और एनायन कैटायन के बैलेंस में तो हेल्प करेगा, क्योंकि क्लोरीन किसके फॉर्म, मतलब क्लोरीन खुद एनायन है, वो कैटायन के साथ एग्जिस्ट कर रहा है, तो कैटायन एनायन फॉर्म के बैलेंस में तो हेल्प करेगा ही करेगा। मैं बहुत जल्दी जल्दी पढ़ा रहा हूँ बिकॉज आई नो टाइम की क्राइसिस आपके पास, और मेरे को ये वीडियो जो है 15 मिनट्स में एंड करनी है। सो डिफिशियंसी ऑफ द सॉरी फंक्शन ऑफ द सिम्टम मैंने फटाफट आपके लिए कवर करा दिए। नेक्स्ट वीडियो में मैं कोशिश करूँगा जब भी टाइम मिले मैं रिकॉर्ड कर लूँगा वीडियो एंड आपके लिए अपलोड कर दूंगा। ठीक है, आगे डिफिशियंसीज अभी बची हुई हैं, टॉक्सिसिटी बचा है, देन नाइट्रोजन फिक्सेशन है, तो देखा जाए एसेंशियली चैप्टर पूरा 45 मिनट्स में खत्म हो जाएगा। 2 15 मिनट की वीडियोज़ हो चुकी हैं ऑलमोस्ट, एक और 15 मिनट की वीडियो में ये खत्म हो जाना चाहिए, वरना 20 मिनट की वीडियो में खत्म हो जाएगा। राइट, ऑल द बेस्ट यार, लगे रहो और जोर लगाते रहो यार, एंड तक तुम्हें टिके रहना है, परसिस्ट करते रहना है, हार नहीं मानना है। तुम आर्यन भैया के स्टूडेंट हो, याद रखना, किसी हाल में तुम हार नहीं मान सकते, एंड तक लगे रहो। तुम हार जाओगे अलग बात, हार नहीं मान सकते, याद रखना। ठीक है, नोटेड। ठीक है, ऑल द बेस्ट यार, मेहनत करते रहो और मेरे से कनेक्टेड रहना, मोटिवेशन की ज़रूरत मिलेगी तुम्हें, पड़ेगी, मैं तुम्हें देता रहूँगा, बस तुम्हें लगे रहना है भाई। ठीक है, जो मैं हाथ तुम्हें पकड़ा रहा हूँ उसको पकड़ के आगे चलते रहो, तुम बहुत अच्छा करके आओगे। ठीक है, चलो यार, गुड बाय।